आज मुंबई के सुतारवाड़ी में भोजपुरी फिल्म तुम्हारे प्यार की कसम की हो रही शूटिंग। देखिए किस तरह से शूटिंग किया जा रहा है। इधर फाइट का कुछ सीन है और भोजपुरी के खलनायक के सीन और संजय पांडे जी अभी अपना सीन ओके किए हैं। एक अलग लुक में नज़र आएंगे और अलग अलग लुक आप लोग देखते ही रहते हैं। अभी राजा बाबू आपने देख ही रहा होगा किस तरीके से इन्होंने एक धमाल मचाया हुआ है। और इस फिल्म के डायरेक्टर शाद कुमार जी हैं जो शॉट समझा रहे हैं और अभी अगले सीन के तैयारी में लगे हुए हैं। और एक शाद कुमार जी हैं फिल्म डायरेक्टर इस फिल्म के। आज ये हमारी फिल्म का हीरो है, मेन हीरो ये। आपका नाम? आदित्य। आदित्य आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइए लाइए गाड़ी जल्दी लाइए पीछे लाइए। आगे मिलाते हैं और अपने देखते हैं ये शॉट। आपका नाम? जेपी सिंह। क्या करते हैं आप? लाइटिंग करता हूँ। संजय जी आज आपका सीन क्या हो रहा है, इसमें रोल क्या कर रहे हैं आप? हम हीरो के भाई को और भतीजे को मारने आए, बुरे काम करने आए। हम लोग कोई पूजा पाठ तो करने आए नहीं। कुछ ज़्यादा ही बुरा कर रहे हैं, घसीट घर से छोटे बच्चे को कुत्ते की तरह मारते हैं हम लोग, फिर बाद में कुत्ते की तरह मार भी खाते हैं। किरदार लोग कुत्ते की तरह जुल्म ढाते हैं, उसके बाद हीरो उसका बदला लेता है और हमें वो कुत्ते की तरह मारता है। तो विलन है तो हमारे हिस्से में यही सब आएंगे। और क्या गेटअप हमेशा कुछ ना कुछ चेंज रहता है, इसमें भी एक अलग करेक्टर के हिसाब से गेटअप लेता हूँ मैं। जैसा लगता है इस चरित्र में ये चीज़ है और गेटअप बदलने की छूट हमारे लोगों को मिलती, हीरो को मिलती नहीं। हीरो बेचारा हर फिल्म में वही ऐसे ही आना, वैसे ही बाल न बिखरे, चेहरा गंदा नहीं हो। हमें थोड़ा छूट है विलेन को, तो उस छूट का हम पूरा फ़ायदा उठाते हैं अपनी तरफ से। शाद जी को इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके डायरेक्शन में कितना? शाद जी के साथ एक फिल्म कर चुका हूँ, एक लैला तीन छैला, उसका दूसरी फिल्म है। वेरी गुड टेक्नीशियन, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है। एक्टर को पूरी छूट देते हैं अपनी तरफ से और बहुत इंसान भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। करण जी आप क्या कहना चाहेंगे संजय भैया के साथ? आप संजय भैया के साथ में तो यही कहना चाहूँगा, संजय भैया के साथ में तो शुरुआत की थी और शुरुआत से लगा हुआ संजय भैया के साथ। रोल किस तरह गया आपका? मेरा रोल है संजय भैया इसमें विधायक का रोल प्ले कर रहे हैं, मैं उनके छोटे भाई का ठाकुर महेंद्र सिंह का प्ले कर रहा हूँ। बस वही सीन चालू है जो संजय भैया ने बोला, अभी आपको बताया होगा कि हीरो के भाई को घसीट घसीट के मार रहे हैं, वही काम बचा है हम लोगों के लिए, मारना और मार खाना। आइए देखिए संजय जी किस तरह से अगले सीन की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी हो रही है। हमके माल कमा के एकदम मोटा है, कुछ होशे नहीं है। भाई देखिए इधर जो संजय पांडे जी ने जिनको घसीट घसीट के मारा है उनके अंदाज में कुत्ते की तरह लताड़ा, ये देखिए कैसे फटे धस। ये दिखा दीजिए, ये देखिए देखिए बाप ने मारा भाई। ये भी बता दो आप, ये जो सख्त मारा है हमारे माननीय संजय पांडे के पूजनीय आदरणीय भाई करण पांडे जी, जो कि बहुत ही बेरहमी से मारते हुए घसीटते हुए मेरे घर की तरफ लेके आए हैं। अब इसका अंजाम तो मुझे पता चल रहा है किस तरह से घसीटा है फिलहाल, लेकिन आगे कार्यक्रम चलता जाएगा, शूटिंग होते जाएगी, फिर किस पे कौन भारी पड़ेगा वक्त बताएगा फिलहाल। लेकिन आज तो मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, अभी अकेले हूँ, बाद में देखता हूँ। गुंडे लोगों के साथ में बजा रहे हैं बराबर। क्या किरदार इसमें रोल का? किरदार है मैं भी एज ए तब्बू है, मेरा छोटा भाई है, एज ए हीरो ही कर रहा हूँ। तो अभी वो बाहर गया हुआ, हम शादी की प्रस्ताव लेके उनके घर पे गए, लेकिन उनको लगा नहीं कि हमारे शादी के लायकियत है इनके घर परिवार से, तो इस गुस्से में उन्होंने खुनूस उतारा है और बहुत ही बेरहमी से सजा दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब हमें सुनाइए। और
बहुत ही अच्छा लगा सात भाई के साथ काम करना और पूरी टीम के साथ गौरंग दादा और प्रिंस जी कैमरामैन और बहुत ही अच्छा लगा। संजय जी के साथ मैं पहली बार कर रहा हूँ, करण जी के साथ पहली बार कर रहा हूँ, कल्लू के साथ पहली बार कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा और एक अच्छा माहौल है पूरी टीम का और बहुत ही खूबसूरत शूट किया जा रहा है। बाकी तो सकल सूरत से समझ में आ ही रहा है कितना मेहनत और रंगत लाएगी फिल्म रिलीज होने के बाद। गोविंद भाई आप क्या कि आप भी इसमें फिल्म में हिस्सा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रियल पत्रकार फिल्मों में नजर आते हैं। भाई मैं आया तो देख के पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे भाई को हो क्या गया है। इन्होंने कहानी बताई नहीं भाई, ये शूटिंग चल रही है और मैंने इनकी मेहनत और हालत देख के मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी जाएगी और इनकी एक्टिंग बहुत ही भारी पड़ेगी सबके। पत्रकार संघ के युवा पत्रकार संघ के अभी रिसेंटली इन्होंने कार्यक्रम रखा था, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। इन्होंने मैसेज भी किया था, फ़ोन पे बात भी हुई कि मैं नहीं आ पाया था, किसी कारण से बाहर था, लेकिन ऐसे इनके प्रोग्राम अटेंड करता हूँ और पत्रकारिता में बहुत आगे बढ़ें, शुभकामनाएँ और हमें भी उसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। आप सभी पत्रकार संघ और न्यूज़ चैनल सारे सबको नमस्कार, अमरीश सिंह की तरफ से धन्यवाद।